हेलो फ्रेंड्स वेलकम वंस अगेन एक बार फिर से महिंद्रा के चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और आज बच्चों आपका जो एस टी नंबर जीरो वन है स्पीड टेस्ट नंबर जीरो वन है एस एस सी का उसके मैं पच्चीस क्वेश्चन लेकर आया हूं अच्छा एस टी में जो आपको क्वेश्चन मिले थे बच्चों वो छब्बीस से लेके पचास तक थे तो चूंकि क्रम लगता है आपको टोटल सौ क्वेश्चन मिलते हैं एक से पच्चीस पच्चीस से छब्बीस से फिर पचास फिर इक्यावन से पचहत्तर फिर छिहत्तर से सौ चूंकि चार पार्ट में होता है जिसमें आपका रीजनिंग जीएस मैथ इंग्लिश इस तरह के क्रम में होते हैं तो आज जो सेकंड पार्ट है जीएस का पार्ट जिसमें छब्बीस से लेकर पचास तक के क्वेश्चन है हम, हम उन सभी को आज सॉल्व करेंगे और आपके सामने जो आज के सेशन का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो आपको दिख रहा है तो प्यारे मित्रों सबसे पहले वाले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग समझते हैं और क्या इसका करेक्ट आंसर होगा आइए हम सब लोग मिलकर इसको करेंगे सो so, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि ऑफ द द द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट इज हैज रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन द गवर्नमेंट जॉब्स निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को पैंतीस प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है भाई बहुत बड़ी बात है अगर मैं कहूं कि सौ अगर सौ मान लिए सौ एम्प्लॉय हैं किसी राज्य में काम करने वाले जिसमें थर्टी फाइव परसेंट सिर्फ महिलाएं ही होंगी इतनी सीट रिजर्व कर दी गई है किसी राज्य सरकार के द्वारा तो मित्रों आपको बताना है वो कौन सा राज्य सरकार है जिसने कहा है कि थर्टी फाइव परसेंट सीट जो है रिजर्व कर दें रिजर्व कर देंगे महिलाओं के लिए आपके ऑप्शन है कर्नाटका है आपके ऑप्शन है उत्तराखंड है आपका ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश है आपका ऑप्शन है मध्य प्रदेश है सो so, इसका जो करेक्ट आंसर है मित्रों वो है मध्य प्रदेश क्या करेक्ट आंसर है इसका मध्य प्रदेश सो so, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये अभी ऐलान किया गया है कि ऐसे में 35 परसेंट सीटों का आरक्षण करेंगे महिलाओं के लिए किसके लिए करेंगे महिलाओं के लिए थर्टी फाइव परसेंट आरक्षण की बात की गई है मध्य प्रदेश में अभी जल्दी ही निकाय चुनाव हुए आपने देखा मध्य प्रदेश जल्दी ही अभी विधानसभा के चुनाव हुए माफ करिएगा विधानसभा के चुनाव हुए हैं जिसमें आ, आपको कमेंट में लिख के बताना है हाल ही में किसे अभी मुख्यमंत्री चुना गया है माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान से पदवी को आ, न, पे नहीं रखा गया इस बार उनकी चीज़ों को हटाया गया है और किसी अन्य व्यक्ति को वहां पे Uh, मुख्यमंत्री का पद दिया गया जो कि भाजपा की सीट वहां भी निकली थी ठीक है आपको बताना है कमेंट में कौन वहां पे मुख्यमंत्री ऑफ द पाल डायनेस्टी आपको बताना है पाल वंश के संस्थापक कौन है आपको बताना है मित्रों पाल वंश के संस्थापक कौन है आपके सामने ऑप्शन है रामपाल गोपाल महीपाल या धर्मपाल कौन है पाल वंश के संस्थापक आप सबको बताना है कौन है पाल वंश के संस्थापक जल्दी से बताएंगे पाल वंश के संस्थापक कौन है पाल वंश के संस्थापक कौन है जल्दी से आप सबको बताना है बच्चों बच्चों पाल वंश के संस्थापक कौन है आपके सामने ऑप्शन है रामपाल गोपाल महीपाल या धर्मपाल सो so, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है गोपाला है या गोपाल है गोपाला आप कर लें या गोपाल है So, गोपाल जो है वो पाल वंश के संस्थापक हैं गोपाल पाल वंश के वंश के संस्थापक है पाल दक्षिण भारत का एक वंश था दक्षिण भारत का क्या है एक वंश है जिसके संस्थापक कौन है गोपाल है सो करेक्ट आंसर क्या है गोपाल या कभी कभी इंग्लिश में आपको अगर गोपाला मिल जाए तो आपको उससे कंफ्यूज नहीं होना है इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा गोपाल सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गोपाल रामपाल महीपाल धर्मपाल नहीं अच्छा धर्मपाल जो है ये गोपाल के पुत्र थे धर्मपाल कौन थे ये गोपाल के पुत्र थे ठीक है तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो क्या था बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर था वो हो गए हैं हमारे गोपाला अब आपका अगला प्रश्न है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट अमरावती स्तूप इज लोकेटेड अमरावती का जो स्तूप है वो किस जगह पर है हम अम्रा, लोग अमरावती का जो स्तूप है वो कहाँ पर है आपको बताना है अमरावती का स्तूप कहाँ पर है अमरावती का स्तूप कहां पर है अमरावती का स्तूप कहां पर है इन विच ऑफ द स्टेट अमरावती स्तूप इज लोकेटेड ऑप्शन इज महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ एंड एंड मध्य प्रदेश अमरावती चूंकि बेटा नाम से ही क्लियर है अमरावती अमरावती का नाम से ही क्लियर है जो बच्चे बताना चाहें बता सकते हैं अमरावती का नाम से ही क्लियर है कभी भी अमरावती आता है तो आंध्र प्रदेश का नाम आता है तेलंगाना का नाम आता है क्योंकि यहाँ पे आंध्र प्रदेश का ऑप्शन है तेलंगाना का ऑप्शन नहीं है सो आप ऐसे में आंध्र प्रदेश को करेक्ट कह सकते हैं बिल्कुल सही है जो बच्चे अमरावती स्तूप की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं अमरावती कहाँ पर है अमरावती स्तूप जो है अमरावती जो पिलर है ये लोकेट करता है आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश अच्छा अगर मैं थोड़ी सी बात कहूँ आपसे कि आंध्र प्रदेश से एक राज्य और आ, कट के अलग हुआ आपने देखा दो जून दो हजार चौदह को तो ये बना तेलंगाना तेलंगाना स्टेट बना है तेलंगाना स्टेट बना सो ये अमरावती का बना हुआ क्या था ये स्टेट था तो आंध्र प्रदेश से बना हुआ जो राज्य था वो क्या था अमरावती अमरावती स्तूप कहाँ पड़ता है तेलंगाना के पास पड़ता है तो ये इसका क्या है एकदम करेक्ट आंसर है बिल्कुल सही है क्लियर है अगला है नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे नंद वंश के अंतिम शासक ऑप्शन इज़ महापद्मानंद पांडुका काविवित्रा या धनानंद घनानंद तो अब बताना है नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे बच्चों अगर हम लोग नंद वंश की कभी भी बात करते हैं तो नंद वंश के अंतिम शासक कौन है धनानंद है आइए नंद वंश के बारे में थोड़ा सा देख ले ज़्यादा नहीं उस एक मिनट लगेगा अगर हम बात करते हैं नंदा डायनेस्टी की या नंदा वंश की तो नंद वंश की नींव रखने वाले जो शासक थे उनका नाम था महापद्मानंद 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 अब महापद्मानंद जो है नंद वंश के संस्थापक थे नंदवंश के संस्थापक थे इनका टाइम पीरियड था तीन से ले के तीन सौ अच्छा इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद अगले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है घनानंद क्या नाम था घनानंद और घनानंद का समय था तीन से ले कर तीन सौ तेईस तीन सौ तेईस बी सी अच्छा महापद्मनंद ने अपने दरबार में पाड़िनी को आश्रय दिया था ये पाडनी वही है बच्चों जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की थी अष्टाध्यायी की रचना की थी और ये जो घनानंद थे इनकी हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी किसने की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने इनकी हत्या की थी और यही इस नंद वंश के अंतिम राजा भी रहे हैं सो इसका जो करेक्ट आंसर है घनानंद है जो भी बच्चे हमारे घरन पे टिक किए हैं घरणन को किए हैं वो सभी जो हैं बिल्कुल सही हैं वो सभी आ, करेक्ट आंसर बताए हैं तो आप सभी जो हैं पात्र सही बहुत अच्छे हैं और प्रशंसनीय हैं प्रशंसा के हकदार हैं आप सभी जो सही बच्चे आंसर बताए हैं अब आपके सामने हमारा अगला प्रश्न है अगला प्रश्न कहता है द मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकबर इज़ बॉर रोड मनसबदारी की जो व्यवस्था है ये कहाँ से ली गई है चूँकि मनसबदारी की व्यवस्था अकबर के दरबार की थी और अगर मैं कहूँ मनसबदारी में सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर कोई व्यक्ति रहे हैं तो सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति जो रहे हैं वो मनसबदारी में किसको कहेंगे राजा मान सिंह को कहेंगे ठीक है जो राजा मान सिंह थे उनके पास दस हज़ार घोड़े और बीस हज़ार सैनिकों की मनसबदारी व्यवस्था थी अब आपको बताना है कि जो मनसबदारी व्यवस्था है ये कहाँ से उधार ली गई थी आपके सामने ऑप्शन है पर्शिया पर्शिया है रशिया टर्की है मंगोलिया है या अफ़गानिस्तान है चार देशों के नाम यहाँ आपको दिख रहे हैं पर्शिया है टर्की है मंगोलिया है या अफ़गानिस्तान है सो इसका जो करेक्ट आंसर है मित्रों वो क्या है आ, मंगोलिया सिस्टम है मंगोल से यह व्यवस्था जो है आ, उधार ली गई थी ठीक है तो अगर हम कहें अकबर अकबर ने अपने दरबार में नाइन जेम्स रखे थे क्या रखे थे नाइन जेम्स रखे थे और नाइन जेम्स में ही एक व्यवस्था थी आपकी जिसका नाम था मनसब मनसबदारी दारी मनसबदारी सिस्टम था एक जगह और जो मनसबदारी सिस्टम था ये अकबर राजा मान सिंह थे कौन थे इसके लिए प्रमुख थे राजा मान सिंह प्रमुख थे और जो राजा मान सिंह थे इन्हीं के समय से यह आई थी व्यवस्था और यह मंगोल से उधार ली गई थी कहाँ से ली गई थी मंगोल से उधार ली गई थी और यह व्यवस्था मंगोली व्यवस्था मानी जाती है सो करेक्ट आंसर क्या है मंगोल है तो मंगोलियन व्यवस्था यह मानी जाती थी मित्रों अब आपके सामने हमारा एक अगला प्रश्न है ये एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है नोकरेख नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कई बार एग्जाम में पूछा गया है और मुझे उम्मीद है आपको इसका करेक्ट आंसर पता है असम की बात करते हैं सो असम तो इसका करेक्ट आंसर नहीं लग रहा है मेघालय यस मेघालय है और उड़ीसा नहीं है गुजरात भी नहीं है सो तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चों मेघालय है तो नौकरेख कभी भी राष्ट्रीय उद्यान आ जाए आपको आंख मूंद के मेघालय पे आंसर दे देना है आंसर टिक कर देना है अच्छा बच्चों अगर कभी भी असम से आंसर आता है असम से पूछा जाए तो असम में आप हमेशा और हमेशा काजीरंगा को बताएं, असम में हमेशा आप मानस को बताएं, असम में हमेशा आप नमेरी को बताएं, इस तरह के ऑप्शन जो हैं उसे बताएंगे उड़ीसा में आता है तो उड़ीसा में हमेशा भीतर भीतर कणिका की बात करें सिमली पाल की बात करें भीतर कणिका या सिमली पाल की बात करें गुजरात में अगर हम बात करते हैं गुजरात में अगर हम गुजरात में बात करते हैं मित्रों सो तो गुजरात का जो करेक्ट आंसर है वो क्या मिलता है गुजरात का करेक्ट आंसर मिलता है जैसे आपने पढ़ा हो गिर गीर, गीर राष्ट्रीय उद्यान तो गिर ये गिर उद्यान है सो मेघालय की बात करें तो नोकरेख नोकरेख जो है ये ये मेघालय में है नौकरी कहाँ पर है मेघालय सो करेक्ट आंसर क्या है मित्रों इसका इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी वाला है और बाकी जो है आपके सामने मैंने लिख दिए हैं आप उनको एक बार देख के उनको एक बार आप समझ के अच्छे से कर पाओगे मुझे उम्मीद है आपको चीज़ें क्लियर होंगी मुझे उम्मीद है आपको बातें समझ में आ रही हैं अगला प्रश्न क्या कहता है अगला कहता है द पावर स्टेशन ऑफ द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया अब दिए गए ऑप्शन में ऐसा कौन सा पावर स्टेशन है जो भारत का सबसे बड़ा परमाणु स्टेशन है आपके सामने कैगा है नरोरा है कुंडन कुलम है या काकर पारा है सो कौन सा आपको बताना है कौन सा पावर स्टेशन जो है सबसे बड़ा है सबसे बड़ा पावर स्टेशन कौन सा है कैगा है नरोरा है कुंडनकुलम है या काकर है सो इसका करेक्ट आंसर जो है कुंडन है बच्चों क्या है करेक्ट आंसर कुंडनकुलम ठीक है अगर मैं कहूँ कुंडनकुलम कुंडनकुलम पावर स्टेशन पावर स्टेशन कुंडनकुलम पावर स्टेशन ये सबसे बड़ा पावर स्टेशन है सबसे बड़ा ये पावर स्टेशन है कुंडनकुलम ये ऊर्जा का एक बहुत बड़ा पावर स्टेशन है क्या करेक्ट आंसर है कुंडन कुलम सो तो करेक्ट आंसर क्या है कुंडनकुलम ठीक है नरौरा हमारे बुलंदशहर में पड़ता है ठीक है नरौरा कहाँ पड़ता है हमारे उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पड़ता है मित्रों अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न का जो हमारा अगला जो प्रश्न है वो क्या कहता है अगला प्रश्न हमारा क्या रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट झरिया एंड द चंद्रपुरा कोल फील्ड इज आलोकेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट झरिया एंड चंद्रपुरा कोल फील्ड इज आलोकेटेड निम्नलिखित में से किस राज्य में झरिया और चंद्रपुरा कोयले का क्षेत्र है झरिया कभी भी झरिया आए चंद्रापुरा आए आपको बताना है ये कहाँ पर है झरिया और चंद्रापुरा ठीक है गुजरात में है झारखंड में है उड़ीसा में है या फिर उत्तराखंड में है इसका जो करेक्ट आंसर है वो झारखंड है क्योंकि नाम से क्लियर है जब भी झरिया आए झारखंड लगाएं जब भी झरिया आए झारखंड लगाएं मित्रों याद रखें कभी भी झरिया आए झरिया आए चंद्रपुरा आए चंद्रपुरा आए कभी अगर मान लो एक माइन सिंह भूमि भी आए तो हमेशा इनके लिए झारखंड लगाए हैं क्या लगाना है इनके लिए आपको इनके लिए हमेशा झारखंड लगाना है सो झारखंड ही क्या है इसका करेक्ट आंसर है सो आंसर नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर झारखंड झरिया चंदपुरा, सिंहभूमि इज अ करेक्ट आंसर सो करेक्ट आंसर क्या है इसका बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है जो भी विद्यार्थी हमारे बी के साथ में जा रहे हैं कोयले के लिए झारखंड का लगा रहे आंसर उन सभी का बिल्कुल सही है देर इज़ नो मिस्टेक कोई भी गलती उसमें नहीं है एकदम सटीक है अगला प्रश्न है मुगल रेशम के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है कभी भी अगर याद रखें जूट की बात की जाए तो आप पश्चिम बंगाल कोलकाता लगा सकते हैं उस तरीके से कभी अगर मूंगे की बात की जाए और मूंगे की जैसी बात की जा रही हो सो हमेशा आप क्या करेंगे क्लास बच्चों आ, आसाम जो है आसाम का रीज़न आप लगाएं मूंगा रेशम के लिए कौन सा राज्य फेमस है आसाम दूसरे नंबर पे वेस्ट बंगाल का रीज़न है सो मूंगा रेशम के लिए बात करें हम तो आसम मूंगा रेशम के लिए असम जो है नंबर एक पर है असम नंबर एक पर है क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका असम असम जो है बिल्कुल करेक्ट है बिल्कुल करेक्ट है बिल्कुल करेक्ट है बिल्कुल सही है अगला प्रश्न है अगर बात करते हैं इन विच स्टेट ऑफ द इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूस ऑफ द पोल्स इन इंडिया भारत में कौन सा राज्य है जो भारत के सर्वाधिक दालों का उत्पादक करता है भारत में कौन सा राज्य है जो दालों में सर्वाधिक उत्पादन करता है अगर दालों के सर्वाधिक उत्पादन की हम बात करते हैं सो हमेशा ऐसे में जो हमें करेक्ट आंसर मिलता है करेक्ट आंसर मिलता है वो क्या मिलता है करेक्ट आंसर हमको मिलता है राजस्थान का राजस्थान का चूंकि दालों का जो सर्वाधिक उत्पादन है अगर मैं कहूं आपसे मित्रों अगर मैं कहूं दाल और तेल के सर्वाधिक उत्पादन उत्पादन में सबसे पहले नाम आता है राजस्थान का किसका आता है राजस्थान का लेकिन चूंकि राजस्थान हमारे ऑप्शन में यहाँ पे नहीं दिया है सो ऐसे में नंबर दो का ऑप्शन जो है हम ज़्यादा चुनेंगे माने पहले चुनने का प्रयास करेंगे सो करेक्ट आंसर हमारा मध्य प्रदेश हो जाएगा एमपी एम पी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा मित्रों क्या होगा करेक्ट आंसर एम पी दालों के लिए कभी भी पल्सेस की बात करें तो हमेशा एम पी याद रखें एम पी कभी ना भूझे भूलें आप कमेंट बॉक्स में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पल्स डे कब मनाते हैं आप फरवरी में मनाते हैं फरवरी में किस दिन मनाते हैं पल्स डे आप ये बताएं और मैं आपके आंसर का वेट करूँगा मुझे उम्मीद है आप सभी आ, सही आंसर बताएंगे अब एक अगला प्रश्न है कि लीडर ऑफ अपोजिशन इज अ टाइप ऑफ बॉडी नेता प्रतिपक्ष किस प्रकार की संस्था है क्वैसी जुडिशियल पोस्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है स्टेचुरी पोस्ट है कन्वेंशनल पोस्ट है किस टाइप की पोस्ट है देखिए यहाँ जो बात की जा रही है वो बात की जा रही है जिस तरह से हम देखते हैं मान लीजिए संसद में संसद के अगर हम किसी एक सदन की बात करें संसद के हम किसी एक सदन की अगर बात करें मान लेते हैं कि हमने लोकसभा के सदन की बात की है क्योंकि लोकसभा के सदन में ही हमारा विपक्ष दल का नेता बैठता है तो अब आप देखते हैं इस तरह से संसद में इस तरह से एक व्यक्ति बैठते हैं जिन्हें हम कहते हैं लोकसभा का ये व्यक्ति जो है प्रमुख है या लोकसभा का हम इन्हें कहते हैं ये लोकसभा के स्पीकर हो गए लोकसभा के स्पीकर हो गए अब इनके नीचे एक बैठते हैं डिप्टी स्पीकर इन्हें हम डिप्टी स्पीकर भी कहते हैं डिप्टी स्पीकर कहते हैं इन्हें इन्हें लोकसभा का डिप्टी स्पीकर कहते हैं इसके बाद इस तरह से बहुत ढेर सारे पद बने होते हैं इस तरह से आप देखते हैं इस तरह से और होता ये है इसी में एक व्यक्ति लोकसभा के विपक्ष का नेता भी होता है और वह उस पदवी पर होता है तो मान लेते हैं जैसे ये विपक्ष का नेता है प्रतिपक्ष नेता तो प्रतिपक्ष नेता हमेशा वर्तमान सत्ताधारी पार्टी से प्रश्न करने के लिए प्रश्न करने के लिए तथा तो उनके कार्यों के प्रति जवाबदेही के लिए हमेशा तैयार रहता है हमेशा तैयार रहता है तो इस तरह की जो व्यवस्था हमारे देश में पहली दफ़े बनाई गई थी वो 1969 सिक्सटी ईस्वी में माननीय श्री जब श्री स्वर्गी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय काल में यह व्यवस्था बनाई गई थी जो हमारे यहाँ की आयरन लेडी थी आयरन लेडी थी तो उन्होंने इस प्रकार के पद को एक स्टैचुरी नाम दिया था एक स्टैचुरी स्टेचुरी का मतलब हम हिंदी में कह सकते हैं ये एक प्रकार का वैधानिक पद है ये एक प्रकार का वैधानिक पद है क्योंकि ये कोई परंपरागत नहीं होता है जो भी पार्टी अधिक सीट नहीं ला पाती है क्योंकि बहुमत दल का नेता तो प्रधानमंत्री बन जाता है लेकिन जो सीटें कम लाई मान लो जैसे अगर दो पार्टी की बात कर जैसे हमारे यहाँ बीजेपी पार्टी है कांग्रेस पार्टी बीजेपी में अब मान लो बीजेपी के पास ज़्यादा सीटें हैं तो उसकी सरकार बन गई है या मान लो कांग्रेस की नहीं बनी है तो कांग्रेस में किसी एक व्यक्ति को प्रतिपक्ष दल का नेता बना दिया गया तो वो नेता ऐसे बन गया सो so, जो उसका जो पोस्ट है वो हमारे यहाँ एक एक स्टैचुरी पोस्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्वासी जुडिशियल पोस्ट कन्वेंशनल ऐसा कोई पोस्ट नहीं है सो so, इसका जो है सही आंसर वो क्या है स्टैचुरी पोस्ट है सो so, ऐसे में स्टैचुरी पोस्ट या एक वैधानिक पद की संज्ञा देना ये हमारे लिए ज़्यादा उचित है तो ऑप्शन नंबर सी जो है मित्रों वो क्या है बिल्कुल करेक्ट आंसर है सो so, जो भी बच्चे हमारे ऑप्शन नंबर सी के साथ में जा रहे हैं सी बता रहे हैं उन सभी का आंसर क्या है अब बिल्कुल करेक्ट है अब मित्रों हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है और अगला प्रश्न क्या कहता है हु अमंग द फॉलोइंग डेमोक्रेटिक्स ऑफ द बाउंड्रीज डेमोक्रेटिक बाउंड्रीज ऑफ द पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन निम्नलिखित में कौन सा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का सीमांकन करता है इलेक्शन कमिश्नर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डेलीशन कमिश्नर एंड पार्लियामेंट्री पार्लियामेंट निम्नलिखित में कौन संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का सीमांकन करता है इलेक्शन कमीशन करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है डेलिमिनेशन कमीशन करता है या पार्लियामेंट करता है क्या है इसका करेक्ट आंसर आप सबको बताना है अमंग द डेमोक्रेटिक बाउंड्रीज ऑफ द पार्लियामेंट्री कॉन्शियस इसका करेक्ट आंसर है इलेक्शन कमीशन भाई कभी भी याद रखें हम बात करते हैं संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की तो निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वा कभी भी सीमाओं को बांधने वाला व्यक्ति हमेशा इलेक्शन कमिश्नर का ही व्यक्ति होगा हमेशा याद रखें भारतीय संविधान की पार्ट आ, पार्ट नंबर फिफ्टीन की बात करें और अगर हम कहें आर्टिकल नंबर आर्टिकल नंबर तीन सौ चौबीस से ले तीन सौ उनतीस में हमेशा इलेक्शन के विषय को बताया गया है इलेक्शन कमीशन को यहाँ पे डिफाइन किया गया है सो इलेक्शन कमीशन के आधार पे ये जो आंसर है वो ए वाला क्या है मित्रों वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ए ही इसका सही आंसर है सही आंसर क्या हो जाएगा ए इसका करेक्ट आंसर है अब अगला प्रश्न है आपके समक्ष हमारा कि हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट जज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द हाई कोर्ट इन इंडिया निम्नलिखित में से किस सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्याया न्यायाधीश की नियुक्ति और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय आइए देखते हैं तो, तो अगर हम बात करते हैं भारत देश के प्रेसिडेंट की तो भारत देश के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो जुडिशरी सिस्टम में जुडिशरी सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस को नियुक्त करते हैं अपॉइंट करते हैं सो so, अपॉइंट करने का जो राइट right है वो किसके पास रहता है प्रेसिडेंट के पास रहता है सो so, ऐसे में जो करेक्ट आंसर हमारा होगा मित्रों वो क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करेक्ट आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो भी भारत देश का राष्ट्रपति होगा उसके पास यह अधिकार होगा कि वह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट अगर हम कहें तो भारतीय संविधान में आर्टिकल 124 से 147 तक है हाई कोर्ट की बात करें आर्टिकल 214 से लेकर 232 तक है तो सुप्रीम कोर्ट के सभी जजेस और हाई कोर्ट के सभी जजेस और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इन सब के जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो प्रेसिडेंट के थ्रू ही होते हैं बस ये होता है कि हाई कोर्ट में जब किसी जज को पदवी दी जाती है तो प्रेसिडेंट के कंसर्न uh, पर uh, राज्य का राज्यपाल ही उसकी ये इस प्रकार की व्यवस्थाओं के प्रति भागीदारी दिखाता है या उत्तरदायित्व के वाहन के लिए uh, रेडी रहता है हमेशा ठीक है और अगर सेंट्रल की बात करते हो तो सेंट्रल में वहां uh, हमारे पास जो प्रेसिडेंट है वो ही ये सारे टास्क कंप्लीट करता है ओके अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है द सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन इन इज ऑल्सो नोन एज द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग को के नाम से जाना जाता है अंबेडकर तो कमीशन नेहरू कमीशन तेंदुलकर कमीशन या मंडल कमीशन किस नाम से जानते हैं हम लोग इनको सो so, इसका जो करेक्ट आंसर है वो तेंदुलकर कमीशन है क्या आंसर है तेंदुलकर कमीशन अगर हम बात करते हैं द्वितीय पिछड़ा वर्ग द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अगर हम बात करते हैं तो द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग को तेंदुलकर कमिटी के नाम से भी जाना जाता है तेंदुलकर कमिटी कमिटी के नाम से जाना जाता है सी का आंसर सही है तेंदुलकर कमीशन करेक्ट आंसर मित्रों अब अगला प्रश्न क्या कहता है अगला प्रश्न कहता है इन विच अमेंडमेंट एक्ट एंटी डिफेक्शन प्रोविजन इज इंट्रोड्यूस किस संशोधन अधिनियम के में दल बदल विरोधी प्रावधान का उल्लेख किया गया है ऑप्शन है बयालीसवां संविधान संशोधन चौवालीसवां संविधान संशोधन बावनवाँ संविधान संशोधन या छियासी संविधान संशोधन चूँकि यहाँ दल बदल प्रणाली के विरोध की बात की गई है तो दल बदल प्रणाली का जो विरोध है वो किसके अंतर्गत आता है वैसे मैं आपको बता दूं दल बदल प्रणाली का विरोध जो है हमारे भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची में दिया गया है और इसका जो प्रावधान था वो बावनवाँ संविधान संशोधन सन उन्नीस में किया गया था सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो उन बावनवा संविधान संशोधन हो जाएगा आइए देखें अगर हम बात करते हैं तो अगर मैं कहूँ शेड्यूल नंबर टेन में है ये और ये बावनवा संविधान संशोधन संविधान संशोधन उन्नीस सौ पचासी ईस्वी में दल बदल का विरोध दिखता है विरोध दिखता है सो इस तरह से जो है इसका आंसर जो है इस तरह से इसका जो आंसर है वो करेक्ट है अब आप, आप समझ पा रहे हैं ना बावनवा संविधान संशोधन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ठीक है ओके क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेडल ऑफ डिड इंडिया विन दॉ एशियन गेम्स ट्वेंटी ट्वेंटी थर्ड अगर हम बात करते हैं उन्नीसवे एशियाई दो हजार तेईस भारतीय राष्ट्रीय भारती, भारत ने हॉकी में निम्नलिखित में कौन सा पदक जीता है उन्नीसवे एशियाई खेल 2023 में भारत ने हॉकी में निम्नलिखित में कौन सा पदक जीता है विच ऑफ दिन एशियन गेम्स ट्वेंटी सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ब्रॉन्ज मेडल है कांस्य पदक जीता है क्या जीता है कांस्य पदक कांस पदक हॉकी के लिए जीता है अंडर नाइनटींथ में अंडर नाइनटीन नाइनटीन एशियाटिक एशियन गेम ट्वेंटी ट्वेंटी थर्ड ट्वेंटी ट्वेंटी थर्ड इज करेक्ट आंसर द कंट्री फर्स्ट हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनर ट्रेनिंग सेंटर फॉर द डिसेबल पीपल इनोग्रेटिंग विच स्टेट द कंट्री द फर्स्ट हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटरबल पीपल ऑफ इनोग स्टेट विकलांग लोगों के लिए देश में पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र मध्य प्रदेश या हरियाणा क्या है इसका करेक्ट आंसर सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मध्य प्रदेश मित्रों क्या करेक्ट आंसर है इसका इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश सो so, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में डिसेबल स्पोर्ट्स गेम बने हैं स्पोर्ट्स गेम के लिए इनोग्रेशन हुआ है सही आंसर क्या है इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश सही आंसर क्या है मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर है याक छुर्पी ने को भौगोलिक संकेत मिल गया है बड़ा फंटेस्टिक क्वेश्चन याग छुरपी इज गॉड द जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन आए, आइडिफिकेशन इट्स रिलेटेड ऑफ द विच स्टेट वह किस राज्य से संबंधित है अरुणाचल प्रदेश महाराष्ट्र मध्य प्रदेश असम किस राज्य से संबंधित है सो so, इसका करेक्ट आंसर जो है वो है अरुणाचल प्रदेश ठीक है अरुणाचल प्रदेश याक छुरपी को एक जीआई टैग मिला है और याक छुरपी कहाँ से संबंधित है यह है अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है अरुणाचल प्रदेश से यह संबंधित है मित्रों सो करेक्ट आंसर क्या है अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश इज अ करेक्ट आंसर आई होप आप बिल्कुल क्लियर uh, इसको समझ पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है जो क्या बता रहा है फोर्टी फोर नंबर क्वेश्चन ईयर इज यूज टू द बेस ईयर ऑफ द कैलकुलेटिंग रियल जीडीपी इन इंडिया भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना में हर वर्ष को आधार के रूप में उपयोग किया जाता है आपको बताना है इन चारों विकल्पों में वह कौन सा वर्ष है जिसे जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने के लिए एक आधार वर्ष के रूप में प्रयोग किया जा रहा है ऐसे में ऑप्शन है 2010 और 11, 2011 और 12, 2013 और 14 या 2015 और 16। So, किस वर्ष को आधार वर्ष के रूप में प्रयोग किया गया है जहां वास्तविक घरेलू सकल घरेलू उत्पाद की गणना की जा रही है सो so, इसमें जो करेक्ट आंसर है वो 2011-2012 इसका करेक्ट आंसर है क्या है अगर हम कहें वास्तविक घरेलू उत्पाद वास्तविक घरेलू सकल घरेलू उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए गणना के लिए 2011 वर्ष 2012 को आधार वर्ष माना गया है करेक्ट आंसर क्या है बी बी जो है इसमें एकदम न्यायोचित है बी एकदम करेक्ट आंसर है अगला क्वेश्चन क्या कहता है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द कोल इंडिया लिमिटेड सीआईएल आपको बताना है सी आई एल कोल इंडिया लिमिटेड कोल इंडिया लिमिटेड का जो हेडक्वार्टर है वो कहां है आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं नागपुर कोलकाता न्यू दिल्ली, या रांची क्या इसका करेक्ट आंसर है कोल इंडिया लिमिटेड का जो मुख्यालय है वो कहाँ है नागपुर कोलकाता न्यू डेली या रांची सो so, इसका करेक्ट आंसर जो है मित्रों वो है कोलकाता कोलकाता जो है इसका करेक्ट आंसर है वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल में ही कोल इंडिया लिमिटेड कोल इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर है क्या है कोल इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है वेस्ट बंगाल

तो हमेशा याद रखें कभी भी अगर इस तरह के क्वेश्चन आए सो आपको याद रखना है क्वेश्चन कहा गया है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किस तरंग की होती है तो ऐसे में आप कई ऑप्शन हैं तो ऑप्शन में जैसे रेडियो वेब है माइक्रो वेब है गामा वेब है अल्ट्रा वॉयलेट वेब है So, इसमें जो है वो गामा वेब होना चाहिए गामा रेज की जो तरंगे हैं उनका सबसे ज़्यादा है फ्रिक्वेंसी सो so, करेक्ट आंसर जो है यहाँ सी जो है वो करेक्ट होगा गामा जो है वो गामा एकदम करेक्ट आंसर है विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए जो है गामा गामा बिल्कुल सही है गामा की जो तरंगे हैं वो बिल्कुल नंबर एक पर हैं अब हमारा जो अगला प्रश्न है आपके समक्ष आ गया है जिसका क्या कहता है कहता है द एनर्जी एसोसिएट विद द लाइट डिपेंड ऑन प्रकाश से जुड़ी ऊर्जा इस पर भी निर्भर करती है फ्रीक्वेंसी पर मीडियम पे लेंथ पे या वेब लेंथ पे सो प्रकाश से जुड़ी जो ऊर्जा है वो किस पर निर्भर करती है फ्रीक्वेंसी पर मीडियम पर लेंथ पर या वेब लेंथ पे? पर मैंने आवृत्ति पर माध्यम पर लंबाई पर या तरंगद्यार्थ पर So, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आवृत्ति होगी ठीक है प्रकाश से जुड़ी हुई ऊर्जा हमेशा फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है आवृत्ति पर निर्भर करती है प्रकाशीय ऊर्जा प्रकाशीय ऊर्जा प्रकाशी निर्भर करती है किस पे आवृत्ति पर आवृत्ति जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है आवृत्ति जो है इसका ए जो है वो क्या है बिल्कुल करेक्ट आंसर है आवृत्ति इज द करेक्ट आंसर अगला है नोकिया हैज इस्टेब्लिश सिक्स जी लैब इन विद सिटी ऑफ इंडिया नोकिया ने भारत में सिक्स जी लैब की स्थापना कहाँ पर की है आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं नोकिया है स्टैब्लिश अ सिक्स जी लैब सिटी ऑफ इंडिया नोकिया ने कहाँ पर सिक्स जी लैब इस्टेब्लिश किए हैं पुणे में बेंगलुरु में न्यू डेली में या फिर अहमदाबाद में वैसे अगर कभी भी इस तरह के प्रश्न आते हैं तो चूंकि आई सेक्टर से जुड़ा हुआ पार्ट है अब आईटी सेक्टर से जुड़े हुए अगर ऐसे प्रश्न आए तो ऐसे में सिर्फ आपको एक आंसर ये देना है कि भाई जहाँ पे सिलिकॉन वैली है जहाँ पे आईटी हब सेंटर है वहीं पर ऐसी व्यवस्थाएं जो है जहाँ तक हमें देखने को मिलती हैं ठीक है सो इन्फॉर्मेशन so, और टेक्नोलॉजी का जो हब है हब है या जिसे आप कह सकते हो सिलिकॉन वैली सिलिकॉन वैली सिटी तो ऐसे में जो हमें सिटी दिखता है वो बेंगलुरु सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका बेंगलुरु सो so, जो भी बच्चे बेंगलुरु सिटी को आंसर के रूप में बताए हैं या आंसर जिन बच्चों ने बेंगलुरु सिटी को किया होगा इसका आंसर वो सभी बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है तो इसका उम्मीद है बेंगलुरू सिटी जो है जो आप बताए हैं बेंगलुरू सिटी वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है जो भी बच्चे हमारे बेंगलुरु सिटी के साथ में जा रहे थे किया था उन सभी का सही पुणे पुणे दिल्ली अहमदाबाद ये सब नहीं ये सब गलत है सो so, नोकिया ने इसको किया है अभी जो कि नोकिया कंपनी तो अभी नहीं है मार्केट में सेल हो चुकी है माइक्रोसॉफ्ट ने इसको ले लिया था ठीक in है अगला प्रश्न है विच इंडियन स्टेट हैज़ लार्जेस्ट इंस्टॉल ग्रेड इन इंट्रेक्टिव रेन्यूअल एनर्जी कैपेसिटी किस भारतीय राज्य में सबसे बड़ा स्थापित ग्रिड ग्रिड हैब है इंट्रैक्टिव नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता को स्थापित किया गया है भारत का सबसे बड़ा ग्रिड इंटरटिव नवीनीकरण ऊर्जा की क्षमता वाला भाग किस राज्य में स्थापित किया गया है विच सिटी विच इंडियन स्टेट द लार्जेस्ट इंस्टॉल ग्रिड इंट्रैक्टिव रेन्यल एनर्जी कैपेसिटी ऑप्शन है केरला कर्नाटका महाराष्ट्र मध्य प्रदेश कहाँ पर सबसे बड़ा ग्रिड इंट्रैक्टिव स्थापित किया गया है सो करेक्ट आंसर क्या है मध्य प्रदेश महाराष्ट्र है सो so, महाराष्ट्र महाराष्ट्र जो है यहाँ पर सबसे बड़ा इंट्रैक्टिव इंट्रैक्टिव रेनुअल रेनअल एनर्जी एनर्जी कैपेसिटी की क्षमता को लॉन्च किया गया है यहाँ पे इस व्यवस्था को किया गया है तो इसका करेक्ट आंसर क्या है महाराष्ट्र है सो so, महाराष्ट्र ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है जहाँ पर सबसे बड़ा नवीनीकरण सेक्टर का जो है नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता को स्थापित किया गया वो क्या है महाराष्ट्र सो महाराष्ट्र इज़ अ करेक्ट आंसर अब मित्रों आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है कि आपको यहां तक की बातें अच्छे से समझ में आई हैं और चीजें आपको यहां पे पूरा क्लियर लग रहा होगा समझ में आ रहा होगा तो देखें ध्यान से सभी लोग आज का जो प्रश्न है लास्ट प्रश्न है आज लास्ट प्रश्न को सभी ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन कहता है कि रिसेंटली विथ एडिशन ऑफ द बाइलेट्रल देखिए जब कभी भी बाइलेट्रल की बात आती है तो वहां हमें शब्द सुन जाता है कि द्विपक्षीय व्यवस्था की विषय किसकी बात आती है द्विपक्षीय बायलेटरल का मतलब ही होता है द्विपक्षी फिर देखें कि रिसेंटली विच एडिशन ऑफ द बाइलेट्रल एक्सरसाइज बिटवीन द इंडिया एंड द रॉयल ओमान नेवीज है ना देखिए दो पक्ष है तो यहाँ पे एक इंडियन नेवी का हिस्सा है और दूसरा कह रहा है रॉयल ओमान नेवी नसीम अल बहर नसीम अल बहर हज़ार बाईस कॉमन्स ऑफ द कोस्ट ऑफ ओमान के तट पर अभी दबा, इंडिया और रॉयल ओमान नेवी इनके बीच में आपस में संधि की गई है हाल ही में भारतीय और रॉयल ओमान नौसैनिकों के बीच में द्विपक्षीय अभ्यास का कौन सा संस्करण नसीम अल बहर दो 2022 ओमान के तट पर शुरू की गई है आपके सामने चार ऑप्शन दिख रहे हैं अगर हम बात करते हैं भारत की तो भारत आपको इस तरह से दिखता है ऐसे करके और यहाँ इस साइड में अगर मैं कहूँ इस साइड में तो ये हमारे आ, ओमान ओमान जिसकी राजधानी आप देखते हैं मस्कट और यहाँ ये पूरा जलीय क्षेत्र आपको दिखता है जिसे हम कहते हैं अरेबियन सी अरेबियन सी या अरब देश ठीक है यहाँ है बी ओ बी यहाँ नीचे है इंडियन ओशियन तो आपको बताना है कि भारत और ओमान के बीच में अभी कौन सा सम जो है नौसेना का ओमान तट का सम्मेलन चल रहा है आपके ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं दसवा है ग्यारहवा है बारवाँ है या तेरवा है मतलब दसवाँ है कि ग्यारहवा है कि बारहवा है कि तेरहवा है क्या इसका करेक्ट आंसर है सो so, नसीम अलबहा दो हज़ार बाईस ओमान तट पे जो प्रारंभ हुआ इसका जो करेक्ट आंसर है वो भी तेरहवाँ संस्करण था कौन सा करेक्ट आंसर है इसका तेरहवाँ संस्करण तो जो भी बच्चे जो भी विद्यार्थी हमारे तेरहवें संस्करण के साथ में जा रहे हैं तेरहवाँ संस्करण वो बता रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है जो बच्चों ने तेरहवाँ संस्करण बताया था उन सभी का आंसर क्या है आ, बिल्कुल सही है तो प्यारे मित्रों मुझे उम्मीद है आज का जो सेशन मैंने आपको बताया ए, आपने देखा कि 26 से लेकर 50 तक के लगभग सभी क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए और उन सभी क्वेश्चन में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन थे करंट का काफ़ी पार्ट उससे जुड़ा हुआ था सो so, आप सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा प्यारे मित्रों कि करंट के पोर्शन पे भी आप काफ़ी ध्यान लगाएं करंट के पोर्शन को भी काफ़ी अच्छे से आप लेकर चलें काफ़ी अच्छे से आप अगर पढ़ेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको बहुत ही अच्छा कर पाएंगे इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी कोई डाउट नहीं आएगा और जी के साथ साथ भी आप पुराने चीज़ों को भी जो कवर कर रहे हैं वो भी लेके चलें स्टैटिक पार्ट से भी आपने देखा कि नौकरी जैसे कई जगहों पर अच्छे क्वेश्चंस बने हुए थे करंट के भी कई पार्ट थे सो so, आप सबसे ये गुजारिश है कि आप सभी अच्छे से मेहनत करें और इस 2024 में आप सफलता को प्राप्त करें तब तक के लिए थैंक यू बाय बाय और आप सभी को टेक केयर टू ऑल ऑफ़ यू एंड बाय बाय